जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मार्केट जैसी चॉकलेट आइसक्रीम बन करके रेडी होती है हमारी, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये चॉकलेट फ्लेवर वाला बिस्किट। आप किसी और बिस्किट से भी इसे बना सकते हैं, पर मैं चॉकलेट आइसक्रीम बना रही हूँ तो सिर्फ बिस्किट से ही बनाना है, तो मैंने ये चॉकलेट फ्लेवर वाली बिस्किट ली है। इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे इस तरीके से तोड़ कर, और इसका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हमें पीस लेना है बिस्किट को। मैं बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ ये बिस्किट से आइसक्रीम बनाने का। तो मैंने लिया एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है ये आधा लीटर दूध। ये दूध मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर है ये दूध, ठंडा नहीं है बिल्कुल भी। तो ले लिया है मैंने ये आधा लीटर दूध। नाप सभी चीज़ों का बराबर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आधे लीटर दूध में मैंने डाल दिया है ये दो बिस्किट का पिसा हुआ पाउडर, जो कि एक कटोरी से लगभग एक कटोरी है, और इसे मैं कर रही हूँ इसमें दूध के साथ मिक्स। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं ये पिसी हुई चीनी एक छोटी कटोरी। बिस्किट का पाउडर एक बड़ी कटोरी थी और इसकी लगभग ये आधी है छोटी कटोरी चीनी, और उससे भी आधी हम डाल देंगे इसमें मिल्क पाउडर, लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच हैं। और सभी चीज़ों को हम एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी इसे मिक्स करने में। अगर आप विस्कर से मिक्स करेंगे तो बहुत ही आसानी से जल्दी से ये मिक्स हो जाती है अच्छे से। तो इस तरीके से हम सभी चीज़ों को दूध में एक साथ ही मिक्स कर लेते हैं, और बिल्कुल अच्छे से घुल चुकी है सभी चीज़ें दूध में। तो अब करते हैं आगे की तैयारी। चढ़ा देते हैं इस कढ़ाई को गैस पर, और इसे हमें पकाना है लगातार चलाते हुए। हमें हाथ को रोकना नहीं है बीच में, इसे हमें लगातार चलाते हुए ही पकाना है। बहुत जल्दी पक कर के गाढ़ी हो जाती है ये। तो टोटल 4 से 5 मिनट का समय लगेगा आपको इसे पकाने के लिए। मीडियम स्लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है, और लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद ही ये लगभग थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगती है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका है ये आइसक्रीम बनाने का। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें अलग से कोई कोको पाउडर या कुछ और फ्लेवर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने चॉकलेट वाला बिस्किट लिया है तो उसी से ही ये चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम हमारी बन जाती है, और बहुत ही कम खर्च में। आधा लीटर लिया है मैंने दूध, और 2 पैकेट बिस्किट, एक छोटी कटोरी पिसी हुई चीनी, और उससे भी आधी मिल्क पाउडर। तो सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दिया और गैस पर इसे डालकर पका लिया है 4 से 5 मिनट तक, जब तक ये इतनी गाढ़ी हो जाए, इतना हमें पका लेना है इसे। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो इस तरीके से आप कभी भी चाहे तो आइसक्रीम बना सकते हैं झटपट से, और किसी और बिस्किट से भी अलग फ्लेवर वाली बना सकते हैं। मैंने इसमें अलग से कोई और फ्लेवर यूज़ नहीं किया है। तो ठंडा होने के बाद हम इसे डालेंगे मिक्सर के जार में और इसे अच्छे से पीस लेंगे, ताकि ये घोल बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से पेस्ट बन जाए। बिल्कुल भी इसमें गांठ या गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए ज़रा सी भी। तो पूरा बैटर मैं इसी तरीके से पीस कर डाल दूँगी इस डब्बे में, प्लास्टिक वाले कोई डब्बा हो आपके पास, कोई सा भी टिफ़िन हो। तो उसे डालने के बाद या तो आप उसे फॉइल पेपर से कवर कर दीजिए, या किसी पॉलीथीन से कवर कर दीजिए फॉइल पेपर नहीं है तो, और इस तरीके से इस टिफ़िन वाले डब्बे को अच्छे से कस कर कर दीजिए बंद, और उसे रख देंगे अब हम फ्रिज में, फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे निकाल 2 घंटे के बाद हम निकाल करके इसे देखते हैं तो ये थोड़ी थोड़ी सी जम चुकी होती है, बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं जमती अभी। तो अभी आइसक्रीम नहीं बनी है, अभी हमें इसमें और भी बहुत सारा कुछ काम करना है। तो 2 घंटे के बाद जब हम इसे निकालते हैं फ्रीज़र से तो लगभग ये थोड़ी सी जमी हुई होती है। इसे हम फिर से डालेंगे मिक्सर के जार में और दोबारा से बिल्कुल पीस लेंगे, फिर इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ सा हो जाता है। ये दोबारा पीसने से ये होता है कि आपकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी जम करके रेडी होती है, इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं आता। तो इस तरीके से 2-3 घंटे के बाद
इस आइसक्रीम के बैटर को निकाल कर पीसना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आइसक्रीम सही से बनती है। और मैंने लिया है ये एक पैकेट चॉकलेट का, जो कोई भी आप चॉकलेट ले सकते हैं, और उसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है और मिक्स कर देंगे हम इसे इसी आइसक्रीम वाले बैटर में। अगर आपको चॉको चिप्स मिल जाए तो आप इसमें इसी समय पे चॉको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये चॉकलेट के टुकड़े ऐड कर रही हूँ इसमें, जिससे कि ये आइसक्रीम खाते समय जब बीच बीच में मुंह में चॉकलेट के टुकड़े आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है आइसक्रीम खाने में। और इसे कर दिया मैंने मिक्स। इसमें मिक्स करने के बाद हम फिर से इसे कर देंगे पन्नी या फॉइल पेपर से कवर, और इसे अच्छे से बंद करके 7 से 8 घंटे के लिए अब हमें आइसक्रीम को रखना है फ्रीज़र में, तभी यह हमारी आइसक्रीम सही से जमेगी। तो मैंने बनाया था रात को आइसक्रीम और सुबह निकाल कर देख रही हूँ, तो बिल्कुल इस तरीके से जम करके रेडी हो चुकी है हमारी ये टेस्टी सी आइसक्रीम। है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान, बहुत ही सही से जमी हुई है आइसक्रीम ये। आप इसे निकालने के बाद तुरंत निकालने की कोशिश ना करें, बस आधे एक मिनट के लिए थोड़ा सा छोड़ दीजिए और उसके बाद इस तरीके से निकाल सकते हैं आइसक्रीम स्कूप से या चम्मच से। तो मैं अभी इसे चम्मच से ही निकाल रही हूँ, और ये बिल्कुल इस तरीके से स्मूथली निकल करके आ जाती है आइसक्रीम बहुत ही सही तरीके से। इतनी आसानी से बन जाती है सिर्फ 10 रुपए के बिस्किट और आधा लीटर दूध से हमारी ये टेस्टी सी चॉकलेट आइसक्रीम। निकाल लेते हैं हम इसे इस बोल में, आइसक्रीम वाले बोल में। तो आप भी बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए टेस्टी सी आइसक्रीम। और आपको ये आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लगे अच्छी तो प्लीज़ कीजिए वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रोज़ एक नई रेसिपी के लिए। और इस गर्मियों में आप भी बनाइए झटपट से ये टेस्टी वाली आइसक्रीम इतने आसान तरीके से, बिल्कुल बाज़ार जैसी टेस्टी आइसक्रीम बनती है। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होता है चॉकलेट वाला, और जो हमने इसमें बीच बीच में चॉकलेट को टुकड़ों को डाला है उससे इस आइसक्रीम का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बन जाती है।